हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं कि आपको सबसे पहले जानकारी हर एक नौकरी की हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आज के दिन जो नई भर्ती आई है, एक और न्यू भर्ती है, वो स्टार्ट हो चुकी है। केवल 10वीं पास मांग रखा है, कोर्ट के अंदर सरकारी नौकरी है, ना कोई एग्जाम होगा, ना कोई आपको पेपर देना है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। कहां पर हरियाणा में इस प्रकार की वैकेंसी आई है, एकदम आपको सारी जानकारी, सही जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। कोर्ट के अंदर जो भी भाई और बहन लगना चाह रहा है, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए टाइम रहते हुए, क्योंकि आपको पता है नौकरी की तलाश में जो भी स्टूडेंट घूम रहा है उसके लिए जो भी अपडेट चाहते रहते हैं कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं। काफी टाइम के बाद में सरकारी नौकरी आपके लिए निकल कर आई है। कोर्ट के अंदर किस प्रकार की जॉब है, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या फॉर्म के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, एक एक पॉइंट की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर तो कंटिन्यू बने रहे। साथ में भाई और बहनों, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरता है, अगर उसने पहले से कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा था, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, फॉर्म तो आपने भर दिया, भरने के बाद अगर कोई ऐसी भर्ती है जिसका नहीं आपको कोई ऑफर लेटर मिला है, नहीं आपको उसका कोई अपडेट मिल पा रहा है, कोई नोटिफिकेशन मिल पा रहा है, तो मुझे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपका इशू होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। सभी भाई और बहनों के कमेंट है पढ़े जाते हैं, जो भी आपके रिप्लाई होते हैं वीडियो के द्वारा रिप्लाई करते हैं या आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करते हैं, उनके रिप्लाई होते हैं, सभी स्टूडेंटों के रिप्लाई किए जाते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो उनसे भर्ती की आपको अपडेट चाहिए, एक बार आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, साथ में कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। हर जगह आपके जो भी अपडेट्स होंगे कंटिन्यू आपको फॉलो किया जाएगा, कंटिन्यू आपके साथ में जुड़े रहेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको भाई और बहनों बताएंगे जाएंगे। तो टेंशन फ्री होके जो भी भर्ती आती रहती है उसको देखा करो, अपडेट जो भी आपके लिए लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे नौकरियों के अपडेट्स आपको बताए जाते हैं और हर एक जानकारी आपको समय रहते हुए प्रोवाइड कर दी जाती है और फॉर्म बिल्कुल आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए भाई और बहन, मैं आज का आपको कोर्ट के अंदर किस प्रकार की जॉब आई हो, अगर मेरी बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी बहनों के लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब आ चुकी है। आपको पता है कल भी हमने 2048 पोस्टों के ऊपर सरकारी स्कूलों के अंदर जॉब्स आ चुकी है, ये आपको नोटिफिकेशन बताया था। तो टाइम रहते हुए सभी बहनें अपने फॉर्म अप्लाई करना, साथ में कोर्ट की किस प्रकार की जॉब चाहिए एक बार आपको दिखाता हूं, बताता हूं। और आपके लिए जो भी अच्छे से अच्छी नौकरी आती है, चाहे आंगनवाड़ी विभाग की भर्ती आए, किसी प्रकार का कोई भी रिक्रूटमेंट आता है, सबसे पहले आपके लिए बढ़िया बढ़िया अपडेट सारे मिल जाते हैं। तो मैं एक बार आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगा कोर्ट में किस प्रकार की जॉब आई है, कौन से जिले में आएगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, एक बार पूरा डिटेल से सिस्टम को समझेंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरा सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज की हम बात करने वाले हैं पलवल कोर्ट के अंदर। अगर मेरे भाई और बहन पलवल कोर्ट के अंदर कोई भी लगना चाह रहा है, पलवल से कोई भी बिलोंग करता है, तो उनके लिए वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। और बाकी जिलों में जो भी कोर्ट पेंडिंग है, कोर्ट की भर्तियां जो भी आएंगे, तो आपको टाइम रहते हुए सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आपकी 20 अगस्त आज के दिन से, अभी शाम के 5 बजे से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 5 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। मात्र 15 दिन का टाइम है इंटरव्यू डेट, जो पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, 3 से 9 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू चलेगा। इसके बाद में जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, 25 से 30 सितंबर तक आपका प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू लिए जाएंगे। डायरेक्ट आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन है, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जिसके अंदर आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल है, ये पहले से ही इन्होंने जारी कर दिया है, इस डेट को आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का कोई भी शेड्यूल आता है, कोई भी लिस्ट जारी होता है, कोई भी रिजल्ट आता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक जानकारी मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की हम बात करेंगे कि इस फॉर्म के लिए आपका एप्लीकेशन क्या लगने वाला है। फीस के अंदर ₹0 आपका एप्लीकेशन फी रहता है। आपको कहीं से भी कोई भी बैंक का डीडी ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक भी पैसा सिंगल किसी को देना नहीं है, ओके। आपका एज क्या होना चाहिए इस फॉर्म के लिए, 18 से 42 साल वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए, रिलेशन चाहिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, वो आपको इसमें मिल जाता है। बिल्कुल आराम से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 साल वाले सभी के सभी भाई और बहन इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। टोटल पोस्टें इसमें आ रखी है 11 पोस्टों के ऊपर इसमें जॉब आ रखी है। प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, पीएन के लिए केवल 8वीं पास होना चाहिए। तो जो भी कम पढ़े लिखे स्टूडेंट है, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो, कोई भी कम पढ़ा लिखा है, 10वीं 8वीं पास है, अगर उसको सरकारी नौकरी की सख्त जरूरत है, तो बिल्कुल आराम से अपना इंटरव्यू देना। पलवल कोर्ट के अंदर ये जॉब आई है, इंटरव्यू शेड्यूल आपको
बता दिया है, नहीं पता है तो दोबारा से वीडियो देख लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर हर एक जानकारी मिलेगी। कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपके मन में डाउट्स होता है, कमेंट करके आप जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपका समाधान होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल आराम से सोल्व करी जाएगी। हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। इसके आगे 10th पास होना चाहिए और 8th पास होना चाहिए, ना कोई आपका एक्सपीरियंस मांग रखा, किसी प्रकार का अदर कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांग रखा है, केवल 10वीं पास और 8वीं पास इसमें इन पोस्टों के लिए ले रखा है। इसका फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई होगा, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको ऑफलाइन तो फॉर्म भरना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट पूरे हरियाणा से फॉर्म अप्लाई करेगा, सभी का इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन आपकी पलवल के अंदर जॉब मिलने वाली है और एप्लीकेशन भरने के बाद आपको जमा करना होगा, स्टैंड करना होगा द डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल हरियाणा 12102 इस एड्रेस पर अपना जो फॉर्म है वो आपको भेजना होगा। फॉर्म किसी भी साइबर कैफे से आप ले सकते हैं, साइबर कैफे से नहीं लेते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लेना और अपना फॉर्म भर लेना। सभी के सभी भाई और बहनों को फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाना, सेल्फ अटेस्टेड करना, साथ में डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या अनिवार्य है, 10th पास वाला 10th की सर्टिफिकेट लगाए, 8वीं वाला 8वीं की लगाइए, डोमिसाइल लगाना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना, सबकी फोटोकॉपी आपकी इसमें लगने वाली है। अगर कोई भी क्वेरी होता है, कुछ भी आपको समझना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक जानकारी का समाधान मिलेगा। हर एक जानकारी के साथ में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको बताया जाएगा। कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, तो कोई भी ऑफर लेटर आता है, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी आती है, आपको सबसे पहले हर एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो भाई गुरु बहनों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो वो भी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर जगह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हर एक जानकारी का मिलता रहेगा। सैलरी हम बात करेंगे, आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिल जाती है। इस पोस्टों के लिए पीएन की पोस्टें हैं, प्रोसेस सर्वर की पोस्टें हैं, डायरेक्ट आपका एंट्री होगा, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका एंट्री और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, लिस्ट भी लगती है, लिस्ट जो भी लगेगी मैं आपको बताऊंगा। अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आपने कोई फॉर्म भर रखा है, उसकी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए, आपको कौन सी नौकरी में लगना है, यह भी आप जरूर लिखा करो, और कहां से बिलोंग करते हैं आप यह भी जरूर लिखा करो, क्योंकि आप उस चीज को लिखेंगे तो अभी तो मैं उसको चेक कर पाऊंगा कि कौन सी भर्ती के कौन से जिले में ऑफर लेटर जारी हुए या नहीं हुए, उसका पता लगाकर तभी तो आपको जानकारी दे पाऊंगा। तो जितना ज्यादा हो सकता है कॉमेंट में यह चीजें लिखा करो कि मैं इस जिले से बिलोंग करता हूं, मुझे इस भर्ती का यह अपडेट चाहिए, मुझे प्रोवाइड कीजिए, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज किया करो, हर जगह आपको जो भी आइडिया मिलता है वहीं पर आप कमेंट कर दिया करो, टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो, और कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं कुरुक्षेत्र लिखिए, पलवल वाले पलवल लिखिए, महेंद्रगढ़ वाले महेंद्रगढ़ लिखिए, सिरसा वाले सिरसा से बिलोंग करते हैं, सर इस भर्ती का हमें अपडेट नहीं मिल पा रहा है, आप मुझे बताइए, आपको हर एक जानकारी का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। तो भाई और बहनों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने प्यारा सा आप सभी को ये नोटिस भेजा है, और नोटिस के जरिए आपको एक एक पॉइंट आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स होता है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो भाई और बहनों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।